जब मैं एक बात बता दूं, जब भैया की शादी तय हुई सबसे पहले, अभी बता रहे थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, मैं उस पर भी जाऊंगा, लेकिन एक दो बात बताना चाहता हूं। जब शादी तय हुई तो उस समय शुरू शुरू में व्हाट्सएप आया था। इन्होंने प्यार से फोन लगा करके पूछा, बोला देखो तुमको व्हाट्सएप चलाने आता है? भाभी जी बोली नहीं मुझे तो नहीं आती, तुम चला लेना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। बहुत अच्छे। ये प्यार की कहानियां ऐसे ही नहीं बनती। अरे ये घटना तो मैं बताना भूल गया आप लोगों से। जब प्यार का इजहार करना था तो भाभी जी ने कहा कि देखो ऐसा अगर तुम डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हो तो मुझे तुम फेसबुक के माध्यम से ही बोल देना। इन्होंने कहा ठीक है अपनी आईडी बता दो। वो बोली कि तुम ढूंढ लेना मैं बताऊंगी नहीं। अगले दिन मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा तुमने फेसबुक रिक्वेस्ट नहीं भेजा? इन्होंने कहा फेसबुक रिक्वेस्ट तो छोड़ो, वो तो मैंने कल शाम को भेज ही दिया, मैंने मैसेज में अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। बोली अरे मुझे तो मिला नहीं, कौन सी आईडी थी? उन्होंने कहा कि कमला फर्स्ट। बोले मैं तो सेकंड हूँ। बोले कमला फर्स्ट वाली अकाउंट तो आजकल मेरी मम्मी यूज करती है। बहुत अच्छे। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है, मैं युवा हूँ नया। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरों के बताने में कितना आनंद ले रहा पट्टा। आप भी तो यही कर रहे थे, आपसे सीखा है। मेरे पास आया, बोला भैया एक लड़की से मोहब्बत के उसमें घिर गया हूँ, तो उसे प्रपोज कैसे करूँ? मैं सामान्य रूप से कह दे भाई प्रेम करता हूँ। बोले नहीं कुछ अलग ढंग से कहना चाहता हूँ। तो भाई ठहरा कवि माइंड, जाते ही बोला अलग ढंग से प्रपोज किया इसने अपनी मित्र को। बोले क्या तुम अपनी चिता में मुझसे आग लगाना पसंद करोगी? ये तो अगले का प्रेम प्रपोजल है। मैं प्रेम प्रपोजल कैसे करता हूँ वो भी मैं बताऊंगा। मैं जो कुछ सीखा हूँ यहाँ इन्हीं लोगों से सीखा हूँ, तो ऐसा मान लीजिए कि जो भी प्रेरणा है वो यहीं से आ रही। और यही नहीं, भैया ने इनके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी चार दिन पहले मैं यशदीप भाई जी के साथ गया इनके घर पे। लड़का इनका दरवाजे पर खड़ा था, मैंने कहा कि बताओ दीपक भैया है? वो मुझे देखते ही पहले यशदीप जी की तरफ देखा, बोला और बताओ यशदीप कैसे हो? ये घबरा गए। मैंने कहा भाई ऐसे बात नहीं करते। बोले विनोद पांडे आप तो चुप रहो। मैंने कहा बड़ा होनहार लड़का है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इतने अच्छे घर में हो, आपके पिताजी इतने बड़े कवि हैं, वो कुछ आपको सिखाए नहीं है? बोले दीपक गुप्ता की तो बात ही मत करो। उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता, कभी सम्मेलन में ही व्यस्त रहते हैं। खैर ये सब बातें चलती रहेगी। मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया मैं अपना काम करूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, गाजियाबाद में रहता हूँ, नोएडा टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। आप लोग ये ना समझें कि मैं केवल कविता वाला ही काम चल रहा है, ऐसा ही हूँ। जब मैं NCR में बनारस से इंजीनियरिंग करने के लिए चला, युवा हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है, और कॉन्फिडेंस में जब आदमी रहता है तो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां भी हो जाती हैं। जब मैं बनारस से NCR में आया इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मुझे घर वालों ने समझाया, बोले देखो इंजीनियरिंग तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, कुछ पूजा पाठ में मन लगाओ, पंडित आदमी हो, अगर तंत्र मंत्र में काम जम गया तो घर गृहस्थी चल जाएगी। और उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन अति कॉन्फिडेंस में जो गड़बड़ी हुई मुझे सीधे यहाँ आना पड़ा। मैं एक छंद से पारी की शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुल के हंसे और खुल के आनंद ले। हमारे बीच आदरणीय त्रिपाठी जी, वीरेश जी, आदरणीय शर्मा जी, आप सब लोग बैठे हैं, आप सबका स्नेह हमेशा मिलता रहता है। मैं चार लाइन से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही चार चांद जड़ गए। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही चार चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही चार चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हनों और दूल्हे को भी 10-20 पड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हनों और दूल्हे को भी 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था, और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ये अति कॉन्फिडेंस में होता है। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का जमाना है, हमारे कई युवा साथी बैठे हैं, फेसबुक पर कोई सुंदर सी लड़की इनबॉक्स में आकर के हाई लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पे पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप लेकर के। हम इतने कॉन्फिडेंस है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि राह में एक लड़की भली मिल गई,
राह में एक लड़की भली मिल गई, मुस्कुराई तो जैसे कली खिल गई, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, कॉन्फिडेंस है, उसने देखा नहीं एक पल भी मुझे, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। बहुत अच्छे, ये हमारे इस युग का कॉन्फिडेंस है। और यहाँ तो बच्चे बच्चे कॉन्फिडेंस में रहते हैं। मैं बताऊं, बस एक बार विनोद पांडे ने शादी की अंगूठी पहनी थी, उसके बाद पता नहीं कितनी अंगूठियां गृह शांति के लिए पहन चुका। ये उपदेश देना इनका काम है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा में रहते हैं, बाबा जी की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बाबा जी के बहुत बड़े भक्त हैं और राम रहीम के तो बहुत बड़े भक्त हैं। और एक राज की बात बताता हूँ, इनको कई बार गुफा में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए उपदेश देते रहेंगे, आप लोग आनंद लीजिएगा। मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। ससुराल इतनी बढ़िया चीज है भाई कि जब आदमी पहली पहली बार जाता है तो उसे बड़ा आनंद आता है, धीरे धीरे मामला अलग होता है। और ससुराल में चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे साला हो, लोगों की बड़ी ध्यान रखती है। और साली की तो बात ही अलग है। अगर ससुराल में आप आदमी, आजकल नए लोग जाकर के ससुराल में बोलते नहीं, अगर नए लोग ससुराल में जाकर चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। और कैसी कैसी प्रॉब्लम हो सकती है कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है, थक्कर आए हैं, साली बोली जीजा कहे गाल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। मैं आदित्यनाथ जी की बात कर रहा था कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को, तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। गौना करा के अपनी ही भी बिला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। तो ये हादसे हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस में होता है। मैं तो बैंक में गया खाता खुलवाने के लिए, तो बैंक मैनेजर मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने कहा भाई साहब ऐसे क्यों देख रहे हो? बोले आपका चेहरा नीरव मोदी जैसा लगता है। मैंने कहा लुंगी पहन लूंगा तो चिदंबरम जैसा लगूंगा, तो अब क्या करना है, मुझे जेल भिजवाना है? साहब लगने से क्या होता है? अब हमारे भाई साहब यशदीप जी को देख लीजिए, इनका चेहरा एकदम अखिलेश जैसा लगता है, पर मजाल है, इन्होंने कभी किसी टोटी को हाथ लगाई हो? तो लगना वगना कुछ नहीं होता है, सब अलग अलग बातें हैं। ऐसे ही आज हमारे देश में स्वच्छता मिशन आप सब लोग देख रहे होंगे। स्वच्छता मिशन में योगी आदित्यनाथ जी नरेंद्र मोदी जी का बड़ा योगदान है, पर मेरा भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भैया मैं अपनी योगदान बताना चाहूंगा, और ऐसा योगदान देश में कोई नहीं कर सकता। अगर आपको लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा, खाली खामोशी से मत सुनिएगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बलिदान है स्वच्छता मिशन में। कि स्वच्छता मिशन जोर शोर से शुरू हुआ, तो गंदगी पसंद वालों का दिल पिघल गया। हमने भी कसम उठाई स्वच्छता की, और कई बार संभल संभल के फिसल गया। एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड, कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्क से घुसा, तो मन अपना मचल गया। कि एक बार मुंह में जो मच्छरों का पूरा झुंड भक्त से घुसा, तो मन अपना मचल गया। और थूकना था मुझे परदेश हित के लिए, मैं वंदे मातरम बोल सबको निगल गया। तो साहब, और ऐसे ही हमारे देश में आजकल बाबा जी लोगों का समय चल रहा है। भाई अच्छा लग रहा था, ताली वाली आपके आते रहने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सत्यनारायण की कथा चल रही है, लगना चाहिए कुछ आनंद उत्सव चल रहा है। एकदम आनंद लीजिए, आनंद ले रहे हैं आप लोग, चेहरे से पता चल रहा है। लेकिन अगर तालियां बजाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि कथा का अपना मजा है, कवि सम्मेलन का अपना मजा है। बाबा जी जो लोग कथा सुनाते रहते हैं, आदमी सुनता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, जाता आता रहता है, सब चलता है। जब बाबा जी की बात चली तो हमारे देश में एक बाबा जी है, बापू आसाराम जी, वो जेल चले गए। मैं उनके यहाँ चला गया एक दिन, मैंने कहा बापू जी आप तो अंदर आ गए, सुनने में आ रहा है कि राम रहीम जी आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बोले लग तो अच्छा रहा है, लेकिन हनीप्रीत आती तो और अच्छा लगता। मैंने कहा लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है? तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए।
कि आसाराम जी की बाछ खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे। आसाराम जी की बाछ खिल गई सुनकर डेरा वाले गुरमीत जेल अब आएंगे, क्योंकि हीरो आदमी है पिक्चर बना चुका है, जेल में ही दोनों मिल फिल्म बनाएंगे। ऐसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। इसे डायरेक्ट राम रहीम करेंगे और रामपाल इसमें विलेन बन जाएंगे। ऑफर हीरोइन की राधमा जो मान ली तो आसाराम हीरो बन ठुमका लगाएंगे। तो ऐसे तमाम बातें, ऐसी तमाम विसंगतियां जहां से हम लोग कविताएं लेकर आते हैं आप सब यार बाबाओं पे ऐसी बात मत कर भाई। आपको बुरा लगता है? मेरे पड़ोसी ने कहा पिछले दिनों, बोले ऐसे बाबाओं के तो कीड़े पड़ने चाहिए। मैंने कहा ऐसी बात मत कर, फिर उन कीड़ों के भी कीड़े पड़ेंगे। भैया ये आपका अंदाज मुझे बड़ा पसंद है। आज तो दिन में कवि सम्मेलन कर रहे हैं, बड़ा खुश है। जब कभी कभी शाम को कवि सम्मेलन होता है, मैं कभी कभी एक आध दो कवि सम्मेलन में मुलाकात होती है, बोले विनोद तुम जल्दी जल्दी पढ़ लो और मुझे भी जल्दी जल्दी पढ़ के घर निकलना है। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, आपको हमेशा जल्दी रहती है। बोले नहीं, जब तक घर नहीं पहुंचता हूं ना, तुम्हारी भाभी इंतजार करती है, गेट पर खड़ी रहती है। मैंने कहा भैया बड़े भाग्यशाली आदमी हो कि आपकी पत्नी मेरी भाभी गेट पर तब तक इंतजार करती है जब तक आप घर नहीं पहुंचते। बोले विनोद ऐसी बात नहीं है, दरअसल क्या है कि हमारे मेन गेट की कुंडी टूटी हुई है और जब तक मैं नहीं पहुंचता हूं वो इंतजार करती है, उसके बाद मैं इंतजार करता हूं वो सोती है। तो साहब ये अलग अलग बात है, ये सबके अपने अपने टैलेंट की बात है। मास्टर जी पढ़ाते हुए कुछ लड़कियों को उठाए, बोले बेटी एक बात बता, तुम लोग बहुत देर से खामोश बैठी हो। बोले पूछो मास्टर जी। बोले एक बात बताओ, रामचंद्र जी माता जी की आज्ञा मान के जंगल में चले गए, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, लेकिन सीता जी जंगल में गई, इसमें क्या सीख है? एक लड़की खड़ी हुई शायद नोएडा की रही हो, बोली मैडम जी इसमें तो बहुत बड़ी सीख है, घर में तीन तीन सास हो तो जंगल ही ठीक है। ऐसी तमाम तमाम कॉन्फिडेंस, आदमी जब कॉन्फिडेंस रहता तमाम बातें होती है। एक बच्चे को उठा के मास्टर जी ने बोला बेटा एक बात बताओ, 1869 की कोई बड़ी घटना बताओ। लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दूसरे को उठाते हैं, बोले तू बता 1872 में क्या होता है। उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए, खड़ा हुआ बोला मास्टर जी 1872 में महात्मा गांधी जी 3 साल के थे। ये सबका अपना अपना कॉन्फिडेंस है। हमारे देश में एक बाबा, कई बाबा जी हैं, पर बाबा रामदेव जी की मैं बात करता हूं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लाला रामदेव नहीं, बाबा बात करता हूं, लाला अपने आप समझ में आ जाएगा कविता में। तो बाबा रामदेव जी जब योग कराने निकले तो पूरे विश्व में छा गए। बाबा रामदेव जी जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने निकले तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की हालत खराब कर दी। और वहीं बाबा रामदेव जी जब काला धन के खिलाफ रामलीला मैदान में आधी रात को सलवार पहनकर भागे थे, पूरे विश्व में छा गए थे। लेकिन बाबा रामदेव जी को जिन्होंने सलवार पहनने पर मजबूर किया, उनकी क्या स्थिति है, एक छंद देता हूं सुनिएगा। कि बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली बड़े बड़े लोग भी बगल झांकने लगे। बाबा रामदेव जी की जब से दुकान खुली बड़े बड़े लोग भी बगल झांकने लगे। निकल गया है तेल डाबर के तेल का वो कोलगेट वाले दांत खुद मांझने लगे। और जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था राहुल को, कि जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था राहुल को, आदमी को देख के ही आंख मारने लगे। कि जाने कैसा श्राप बाबा ने दिया था राहुल को, आदमी को देख के ही आंख मारने लगे। और पहनाई जिसने थी सलवार बाबा जी को, आज वो पजामा अपना संभालने लगे। बाबा जी के योगवा दवाई का है खेल, सब दबी भावनाओं के उफान दिखने लगे। नए नए लड़के भी योग करने लगे हैं, सूख गए थे जो बलवान दिखने लगे। मल्लिका बिपाशा और बीपिका सी बनने की लाखों छोरियों के अरमान दिखने लगे। कि मल्लिका बिपाशा और दीपिका सी बनने की लाखों छोरियों के अरमान दिखने लगे। और दांतहीन आतहीन बुढ़ऊ भी बाबा जी का खाके चवनप्राश सलमान दिखने लगे।